प्रीति महापात्रा, ये नाम सुनकर कुछ याद आया आपको? अगर नहीं तो हम याद दिला देते हैं। ये वही प्रीति महापात्रा है जिन्होंने साल 2016 में उत्तर प्रदेश के राज्यसभा जाने के लिए निर्दलीय नामांकन भरकर सूबे के सियासी हलकों में खलबली मचा दी थी। तब तो प्रीति सांसद ना पहुंच सकी, लेकिन अब उनका ये ख्वाब पूरा होने वाला है। दरअसल गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बन गए हैं। अब उनको लोकसभा की सदस्यता छोड़नी होगी और खबरों के मुताबिक गोरखपुर संसदीय क्षेत्र पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी आलाकमान में गोरखपुर में योगी की जगह लेने के लिए प्रीति महापात्रा को उतारने का पूरा मन बना लिया है। प्रीति की फेसबुक प्रोफाइल के मुताबिक वो नरेंद्र मोदी विचार मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। 36 साल की प्रीति मुंबई में चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती हैं। वो मूल रूप से गुजरात की हैं और उन्होंने गुजरात के नवसारी जिले की 4 तालुका में 10,000 परिवारों को टॉयलेट प्रोवाइड करवाया है। इन्होंने सेंट जोसेफ हाई स्कूल मुंबई और मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी की है। इसके साथ ही इनके कई बिजनेस भी हैं। प्रीति की तस्वीरें सोशल साइट्स पर अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं। अपनी खूबसूरती और ड्रेसिंग सेंस के कारण वो सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी का दर्जा रखती हैं। प्रीति के पति हरिहर महापात्रा एक बड़े बिल्डर हैं। वो गुजरात के सूरत में दुनिया के सबसे लंबा टावर बनाने की इच्छा रखते हैं। 1200 करोड़ रुपये में 1.2 किलोमीटर लंबा ये टावर बनाने के लिए उनकी फर्म ने सरकारी अधिकारियों से 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की मांग भी की है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए अभिलाष की रिपोर्ट।